नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एनसीपी में उठा तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान करके अचानक हलचल मचा दी, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ है, ये बहुत दिनों से प्लान का चल रहा था। बेटी सुप्रिया सुले ने 15 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को ये बात बता दी थी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में तूफान लाने वाले फैसले होने हैं। इसका मतलब कि सुप्रिया सुले को ये बात पता थी कि पिता शरद पवार कुछ ऐसा करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। दूसरी बात ये कि जो सोच के उन्होंने फैसला किया, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। तो महाविकास अघाड़ी की सरकार जाने के बाद जिस तरीके से बर्तन आपस में टकराते नजर आए, कई बार ऐसा लगा कि कांग्रेस किनारे हो रही है, और कई बार ऐसा भी लगा कि शिवसेना से भी कुछ खटपट है। तो माना गया कि शरद पवार ने ये जो इस्तीफे का दांव चला है, क्या वो बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें छन छन के बाहर आ रही है, उसके मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना के साथ साथ सबसे बड़ा उनका जो टारगेट है, वो एनसीपी की जो विरासत है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, वो बेटी को यानी सुप्रिया सुले को सौंपना। अभी तक देश की राजनीति में जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हुए हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे करुणानिधि हो, आप सारे परिवारों का उठा करके देख लीजिए, लास्ट में उन्हें कुछ ऐसा ही फैसला करना पड़ा है और इसको लेकर के विवाद भी होता रहा है। दरअसल सुप्रिया सुले बेटी को वो अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं, लेकिन आड़े आ रहे हैं भतीजे अजीत पवार। अजीत पवार वही शख्सियत है जिन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी, रात के अंधेरे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। शरद पवार आगे आए, महाविकास अघाड़ी की को संभाला और अजीत पवार को वापस लेकर के आए थे। जैसे ही महाविकास अघाड़ी की सरकार गई, वैसे ही अजीत पवार की पींगे फिर से बीजेपी से बढ़ने लगी। तो जो बहुत दिनों से वो प्लान कर रहे थे कि कैसे इस विरासत को सौंपे, उन्होंने दांव चल दिया। पार्टी कार्यकर्ता और नेता इमोशनल होने लगे, गुहार लगाई जाने लगी कि इस्तीफे को वापस ले लीजिए। उन्होंने 2-3 दिन का समय भी ले लिया। फिर यशवंत राव चौहान केंद्र में पार्टी पदाधिकारियों की जो कमेटी बनी है उसकी मीटिंग भी हुई और कार्यकर्ता इस्तीफा देने लगे। शरद पवार ने सबको रोका, टाइम लिया। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक यदि वो नेताओं की सलाह को मानते हैं तो अध्यक्ष बने रह सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष चुन सकते हैं। ऐसे में क्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले बनेंगी या प्रफुल्ल पटेल बनेंगे? तो जिस चीज के लिए उन्होंने ये दांव चला है उसके मुताबिक तो सुप्रिया सुले को ही बनना चाहिए। यदि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो सुप्रिया सुले अध्यक्ष बन सकती हैं, इस्तीफा वापस ले लेते हैं तो उस कंडीशन में कार्यकारी अध्यक्ष बन सकती है। फिर अब भतीजे अजीत पवार को क्या मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे? तो अजीत पवार को महाराष्ट्र की कमान दी जा सकती है ताकि उनकी चीफ मिनिस्टर के लिए दावेदारी बनी रहे और वो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार को इग्नोर करने की स्थिति में शरद पवार नहीं है, उनके समर्थक विधायक कुछ है और तेवर भी जो रहता है उनका वो बागी रहता है। बात आई थी, पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप अध्यक्ष बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये दाव चल करके जो पार्टी में अजीत पवार असंतुष्ट गतिविधियां फिर से चलाने लगे थे उसको उन्होंने भोथरा कर दिया है। अब अजीत जो शरद पवार है वो राजनीति के मजे खिलाड़ी है। एक तरफ तो जब अडानी मुद्दा रहा, सावरकर का मुद्दा रहा हो या पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा रहा, तीनों मुद्दों पर बीजेपी का साथ दे करके ऐसा उन्होंने संदेश दे दिया जैसे कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो घर का झगड़ा निपटा रहे हैं। तो शरद पवार के दाव को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ,
एक बात तय मानिएगा कि खून पानी से गाढ़ा होता है। बेटी सुप्रिया सुले की चिंता उन्हें सता रही है और भतीजा अजीत पवार है कि मानता नहीं, रह रह के बागी तेवर अपना लेता है। उसी के लिए ये सर्जरी करने चले थे, सर्जरी कर पाते हैं या नहीं इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए रे बेखबर, देखते रहिए इन खबर।